हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं स्क्रीन टाइम आउट को हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। कस्टमाइज़ क्या होता है फ्रेंड्स, अपने हिसाब से हम उसको कैसे सेट कर सकते हैं। और स्क्रीन टाइम आउट क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी ये स्क्रीन जो है 15 सेकेंड बाद या फिर 30 सेकेंड बाद अपने आप ही ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, तो आप उस सेटिंग को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, यानी कि अपने हिसाब से कैसे सेट कर सकते हैं, इसके बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको सेटिंग पर क्लिक करना होगा, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पर क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर साइड स्क्रॉल करना है और लॉक स्क्रीन पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा फ्रेंड्स, स्लिप ऊपर दिखा रहा है आपको, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, ये आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको दिखा रहा है 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट एंड 30 सेकेंड, 15 सेकेंड एंड नेवर। तो आप जो भी करना चाहते हैं कस्टमाइज़ वो कर सकते हैं, और यहाँ से चेंज कैंसिल करना चाहते हैं कैंसिल भी कर सकते हैं। तो मैं ये कर लेता हूँ 2 मिनट का, या फिर 10 मिनट का ही रहने देता हूँ। आप जिस तरीके से चेंज करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।